हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फेस क्लीनिंग रूटीन। तो मैं सबसे पहले अपने फेस को कोकोनट ऑयल की हेल्प से मसाज करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर उसको कॉटन वॉल की हेल्प से रिमूव कर दूँगी क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। तो मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है, लेकिन मैं बाहर गई थी तो बहुत ज़्यादा डर्ट है। तो कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को से सारा डर्ट हटा देगा। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश। यहाँ पे मैं लैक्मे का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, इसकी जो टेक्सचर है वो क्रीमी है और इसमें स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी ग्लिसरीन है, तो ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। इस फेस वॉश से हमें हल्के हाथों से 5 मिनट्स के लिए मसाज करनी है पूरे फेस पर अच्छे से सर्कुलर मोशन में लाइट हैंड्स के साथ। और आपके जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ है जैसे नोज़ हैं और फोरहेड है, वहाँ पे आप इसको अच्छे से मसाज कीजिए। फेस के साथ साथ हमें अपने नेक पे मसाज करनी है क्योंकि हम उसको अवॉइड कर देते हैं, बट ये हमारे फेस का ही पार्ट है तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं गीले टॉवल की हेल्प से इसको रिमूव कर दूँगी। इस टॉवल को मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ है तो जो हमारे ऊपर पोर्स होते हैं ये उसको ओपन कर देगा। सेकेंड जो स्टेप है वो है स्क्रब। इस स्क्रब में वॉलनट है और स्ट्रॉबेरी है, माइक्रोबीट्स, तो ये आपके जो ब्लैक हेड्स हैं और वाइट हेड्स हैं उनको हटाएगा और टैनिंग को भी रिमूव करेगा। तो मेरे फोरहेड पे टैनिंग है तो मैं वहाँ पे इसको ज़्यादा ध्यान दूँगी, और अगर आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं तो इनको भी रिमूव करेगा। जैसे मेरे नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं और चिन पे, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान से करूँगी। इससे हमें 3 to 4 मिनट्स के लिए मसाज करनी है। माउथ के आसपास का एरिया होता है वो भी ब्लैक होता है, तो वहाँ पर भी मैं सेम उसी गर्म टॉवल से फेस को मसाज करूँगी, और जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स है वहाँ पे थोड़ा इसको प्रेस करूँगी ताकि जो ब्लैक हेड्स और वाइट्स हैं वो लूज़ हो जाए और ईज़िली निकल जाए। और इसको ऐसे स्टीम करना है फेस को 2 से 3 बार, और आपको पानी को हर बार चेंज करना है। यहाँ पे मैंने अपने ब्लैक हेड्स निकाल लिए हैं और अब मेरे फेस पे कोई भी ब्लैक हेड्स नहीं है और मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है। आप हाथ लगा करके देख सकते हैं कोई भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स नहीं बचेंगे। और जो थर्ड स्टेप होता है हमारा वो है फेस मास्क। इस सेम लैक्मे के ही मैंने सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो लैक्मे का ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने फेस और नेक पे इसको लगा लिया है और अब मैं इसको 10 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक अपनी कॉफ़ी इन्जॉय कीजिए। और ये मेरे लिप्स भी ड्राई हो रखे हैं तो मैं वहाँ पे वैसलीन लगा रही हूँ। वैसलीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ड्राई लिप्स के लिए। तो आप अपनी कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं जब तक कि ड्राई होता है। अपना काम कीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं 10 मिनट्स के लिए। और अब ये 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये एकदम ड्राई हो गया है, तो मैं अभी इसको रिमूव नहीं करूँगी। मैं पहले इसको गीले टॉवल्स की हेल्प से इसको थोड़ा सा गीला कर लूँगी। अभी हमें इसको रिमूव नहीं करना है। इसको ऐसे गीला करने के बाद, और ये यहाँ पे मैंने पानी लिया है वो ठंडा पानी लिया है, ठंडे पानी में मैंने टॉवल को भिगोया है क्योंकि जो पोर्स ओपन हुए हैं उनको ये क्लोज़ करेगा। अब मैं इसको फिर से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करूँगी सर्कुलर मोशन में। ऐसे करने से जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा आता है। हमें कभी भी फेस पैक को एकदम से ऐसे रिमूव नहीं करना चाहिए, उससे 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करनी चाहिए। कि मैंने ठंडे पानी वाले टॉवल से अपने फेस को क्लीन किया है। आप ऐसे ये प्रोसीजर 2 से 3 बार करना है जब तक कि फेस क्लीन ना हो जाए। और इसके बाद हमें फेस को वॉश नहीं करना है, इसके बाद हमने टोनर अप्लाई करेंगे और मॉइस्चराइजर। तो फ्रेंड्स, ये मेरा स्टेप क्लियर हो चुका है। मेरे फेस में बहुत अच्छी शाइन आ गई है और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी निकल गए हैं। ये बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।